गाइस तो सुबह के बज गए हैं 5 और मैं होने जा रही हूँ अब रेडी। तो मैं आ चुकी हूँ रेडी होके और आज हम निकलने वाले हैं घाट को गंगा नहाने के लिए। तो बस अब हम निकल गए हैं, मम्मी जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ और हस्बैंड जा रहे हैं, सम्राट भी जा रहे हैं साथ में, और साथ में हमारे हैं 2 आंटी जो कि हमारे साथ ही हैं। तो देख सकते हैं अभी अच्छे से मॉर्निंग हुई नहीं है, अभी अंधेरा अंधेरा ही है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे रोशनी भी बढ़ती जाएगी और अभी सनराइज़ हुआ नहीं है, सनराइज़ थोड़ी देर में हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से ब्राइटनेस होना शुरू हो चुका है और मुझे लगता है कहीं कहीं सनराइज़ हो गया होगा, बट यहाँ तो अभी हमें नज़र नहीं आ रहा है। अभी हम कार की लाइट ऑन करके ही चल रहे हैं, तो देख सकते हो आप। तो हमारे घर में हुआ था परसों श्राद्ध, तो इसके लिए हमें जाना था गंगा नहाने के लिए, उसके बाद हमने आके घर में करनी है पूजा। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, तो देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है और कितना मज़ा आता है इस टाइम पे जाने का, सुबह सुबह जाने का बहुत ही मज़ा ही कुछ और है। वेलकम टू माई न्यू व्लॉग, मैं रेनू भट्ट और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जा रहे हैं रामेश्वर, तो अभी हम पहुँचे हैं आधे रास्ते में और हमारे साथ है पूछी आंटी और रिक्की की मम्मी और मम्मी मैं और सामी। तो हम जा रहे हैं, और ये देखिए अभी हम पहुँचे हैं मंदिर के पास, वो देखिए। तो गाइस ये देख सकते हैं यहाँ से कितनी बड़ी खाई है, ये बहुत ही डाउन तक है ये, देखिए यहाँ पे। और व्यू देखिए यहाँ का, सुबह मॉर्निंग का व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और फॉग हो रखी है अभी बिल्कुल, बहुत ही ठंडा है, अभी सनराइज नहीं हुआ है। ये देखिए और ये कितनी प्यारी घंटियाँ यहाँ लगाई हैं, तो हम पहुंचने वाले हैं। सम्राट को बार बार उतरना है, सम्राट बार बार उतरता जा रहा है, उसे गाड़ी में मज़ा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। ये देखिए यहाँ का व्यू, मॉर्निंग व्यू देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए आप। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं रामेश्वर, अब हम यहां से जा रहे हैं, हमने कार अपनी पार्क कर दी है यहां पे और यहां से हम जाएंगे पैदल। ये देखिए ये है मंदिर के लिए रास्ता, ये देखिए ये लोग आगे आगे चल रहे हैं, यहां भी हमने पहुंचना है, ये है हमारी डेस्टिनेशन। तो फाइनली पहुंचने के बाद इतना सुकून मिल रहा है ना आराम से बिल्कुल, और इतना अच्छा वेदर यहाँ पे हुआ है बिल्कुल ठंडा, और ठंड भी लग रही है क्योंकि हमने पानी में डुबकी लगानी है, तो इसलिए थोड़ा सा डर भी लग रहा है। बट मैंने सुना है कि जब भी पानी में एक बार थोड़ा सा ठंड लगती है उसके बाद ठंड नहीं लगती है, उसके बाद ज़्यादा भी मज़ा आता है कि और भी नहा लो। तो अभी देखो हम पहुँचने वाले हैं, थोड़ा सा रास्ता है और हम पहुंच ही चुके हैं। तो ये देखो रास्ता आ गया है और ये देखो कितना प्यारा है, ये पुल हमने क्रॉस करना है, फिर उसके बाद हमने जाना है आगे। तो आप भी चलिए हमारे साथ। तो देख सकते हो यहाँ पे आंटी मम्मी और दूसरे आंटी कितनी जल्दी चल रहे हैं और हम पीछे पूरा नज़ारा लेते हुए जा रहे हैं आराम से बिल्कुल। सम्राट भी मेरे साथ ही है, सम्राट को भी बहुत मज़ा आ रहा है, सम्राट को वैसे भी पानी बहुत पसंद है, नदियाँ उसे देखनी बहुत पसंद है, बट वो सोच रहा था कि यहाँ पर कोई नाव मिलेगी, बट यहाँ कोई नाव नहीं मिलेगी उसे, वो बहुत ही एक्साइटेड था कि यहाँ पर नाव में वो बैठेगा, बट ये गंगा मैया जी हैं तो यहाँ पर नाव नहीं है। तो चलिए आप हमारे साथ, आप भी गंगा मैया जी के दर्शन करिए हमारे साथ।
पहुंच चुके हैं हम गंगा मैया जी के पास, और यहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं पानी के अंदर। तो ये देखिए कैमरा मैंने दे दिया हस्बैंड को, और यहाँ पे हम जा रहे हैं पानी के अंदर। बहुत ही ठंडा लग रहा है स्टार्टिंग में, तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा वाने है, टेम्परेचर बहुत उनका अभी बहुत ही डाउन है। और तो बस देखो आंटी तो पहले ही जा चुकी हैं, और मम्मी थोड़ा डर रहे हैं, मम्मी को थोड़ा डर लग रहा है पानी में, और मैं भी चली गई हिम्मत करके, और यहाँ से सम्राट भी आना चाह रहे हैं। तो देखिए आप भी हमारे साथ, तो देख सकते हो आप यहाँ पे भी फोटो के पोज के लिए खड़े हो गए हैं, उसके बाद हम बैठ जाते हैं। आंटी को देखो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से नहा रहे हैं, और तो हमने भी शुरू कर दिया है थोड़ा नहाना, उसके बाद हम बैठते हैं इसमें डुबकी लगाते हैं थोड़ा और आराम से। तो मम्मी तो निकल गए हैं नहा के, और अब हम कर रहे हैं थोड़ी सी मस्ती, बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि पहले पहले तो स्टार्टिंग में ठंड लग रही, अब हमें ठंडी लग रही है, तो अब बहुत ही मज़ा आ रहा है। और देख सकते हो आप भी, तो गाइस नहा धो के हम हो चुके हैं फ्री, अब हम जा रहे हैं मंदिर को। ये देखिए हम जा रहे हैं, यहाँ से ऊपर मंदिर है उसमें जाएंगे, और यहाँ गंगा मैया की अभी हमने पूजा की है, और हम एकदम नहा के इतने फ्रेश हो गए, इतना मज़ा आया नहाने में ठंडे ठंडे पानी में। तो ये देखिए सम्राट कैसे चल रहा है, पूरी सीढ़ियाँ खुद चढ़ी है इसने यहाँ से, लेकिन इतनी ऊँची सीढ़ियाँ हैं ये। तो बस अब हम पहुँचने वाले हैं मंदिर में, पहुँच ही चुके हैं ऑलमोस्ट। ये देखिए पेड़ है ये मंदिर का, सम्राट की हालत देखिए, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के, ये सीढ़ियाँ चढ़ के आए सम्राट अभी इतनी हाइट में। तो देख सकते हो यहाँ के मंदिर के ऊपर से कितना प्यारा व्यू लग रहा है यहाँ नदी का, और मंदिर भी देखिए ये पूरा बना हुआ है बहुत ही अच्छा, एकदम घाट के बिल्कुल पास में ही, नदी के गंगा मैया जी के पास में। जितने भी लोग गंगा मैया जी के पूजा करते हैं उसके बाद इस मंदिर में ज़रूर आते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ से कितना प्यारा व्यू लग रहा है, चुके हैं मंदिर में, देखिए ये देखिए बहुत ही एकदम नदी के किनारे मंदिर है, देखिए जरा बहुत ही अच्छा मंदिर है। जय हो भगवान जी की रक्षा करो, देखिए ये है हमारे घाट का मंदिर, और ये मंकी जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, जय हो हनुमान जी की। तो यहाँ मंदिर में भी हमारी हो गई थी पूजा, अब हम जा रहे हैं वापस। तो ये देखिए हस्बैंड को दे दिया मैंने फ़ोन, और मैं और सम्राट निकल पड़े हैं, क्योंकि रास्ता थोड़ा रिस्की है, सम्राट को पूरा हाथ पकड़ के ले जाना होगा, और मुझे भी कुछ चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरे पास बैग भी है, और ये सम्राट को भी पकड़ना है, क्योंकि रास्ता देख सकते हैं आप खुद ही, देखिए रास्ता कितना डेंजरस लग रहा है ये बिल्कुल, और ये पत्थर लगे हुए हैं ना, इतने स्लीपिंग कर रहे ना, थोड़ा सा भी अगर पैर इनमें पड़ जाता तो पूरा स्लिप कर जा रहा है पैर। तो वापस हम पुल में पहुंच गए हैं, ये पुल क्रॉस करके अभी एक और मंदिर आ गया है यहाँ पे, बस हम यहाँ से टीका लगाएंगे और कुछ इसमें दान दक्षिणा दे देते हैं, उसके बाद हम निकल जाते हैं सीधे अब घर को। बीच में जो कुछ भी होता रहेगा वो हम आपको दिखाते जाएंगे अभी, तो अभी हम आ रही तो सम्राट और मम्मी और आंटी लोग पहुंच गए हैं गाड़ी के पास, तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से सीधे घर को, और बीच में जो कुछ भी आता रहेगा वो हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा रुकेंगे हम कहीं पे भी, क्योंकि सम्राट को थोड़ा रुका रुका के हम ले जा रहे हैं, उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी, क्योंकि वो सुबह खाली पेट निकला था घर से, और सुबह वो 6:45 उठ गया था, बिल्कुल 6 बजे हम घर से निकल पड़े थे। तो अभी हम पहुँच गए हैं घाट के पुल में, और यहाँ से हमने जाना है ऊपर को, तो हम ये पुल क्रॉस करके जाएंगे ऊपर को, और जहाँ है हमारी डेस्टिनेशन और हमारा घर, क्योंकि घर में जाके भी अभी जो है हमने वहाँ पे पूजा करनी है, घर में जाके पंडित जी वहाँ पे हमारा वेट कर रहे होंगे, पंडित जी को भी हमने बोल दिया है कि वो हमारे साथ साथ पहुँच जाएंगे। तो ये पुल देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से, और यहाँ के रास्ते ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, आप भी देख रहे होंगे कितनी चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। तो अब हम यहाँ रुक चुके हैं थोड़ी सी देर के लिए, तो थोड़ी हम यहाँ पे पी लेते हैं चाय, और चाय पी के हम निकल जाते हैं सीधे ऊपर को। तो चेक करिए आप, तो बस हम यहाँ चाय पीते हैं और निकलते हैं, और आगे देखते हैं क्या कुछ मिलता है। तो चलिए आप भी हमारे साथ आगे,
तो यहाँ देख सकते हो आगे हमने एक और जगह का रोक दी है, क्योंकि यहाँ पे लेने हैं हमने बनाना। तो ये देखिए पहाड़ी केले हैं, ये तो देख सकते हो यहाँ पे से हमने ले लिए हैं बनाना, और बनाना बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो अभी बस यहाँ से निकलते हैं बनाना लेके, और आगे देखिए हम बार बार रुकते जा रहे हैं। हम पहुँच गए हैं यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है जो कि बहुत ही अच्छा है। थोड़ी देर यहाँ पे सम्राट को जितने भी पॉइंट पर रुका रहे हैं उसको बहुत ही मज़ा आ रहा है। वो बोल रहा है कि मुझे यहीं रहना है, नहीं जाना है घर में, क्योंकि उसे गाड़ी में बैठने से ज़्यादा पैदल चलने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो देखिए अब सम्राट की थोड़ी हो चुकी है तबीयत ठीक, और उसने शुरू कर दिया बनाना खाना। और ये देखिए यहाँ पे लेट गया है पूरा, और इसके बाद ये देखिए डांस करना स्टार्ट कर दिया है इसने, थोड़ा डांस करने लग गया ये। तो अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं, अब थोड़ा ही रह गया है। तो हम पहुँचने वाले हैं गुरना माता मंदिर। तो ये देखिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम वापस गुरना माता मंदिर। तो जाते हम जा नहीं पाए थे, तो अभी हम जाएंगे यहाँ से, क्योंकि अब हमारी पूजा शुरू हो गई है तो हम जा सकते हैं। तो यहाँ से हमने माता मोटा टेका और हम यहाँ से निकल गए। तो अब हम निकलते हैं, अब हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। तो गाइस अब हम पहुँच जाने थोड़ी सी देर में घर, क्योंकि पंडित जी का भी कॉल आ गया है, वो पहुँच गए हैं। तो आप मेरे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो हम पहुँच चुके हैं घर, हो चुके हैं मैं रेडी, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में।